हेलो फ्रेंड, आई एम अभिषेक। आज हम बात करेंगे गोल्ड इन्वेस्टमेंट स्कीम के ऊपर कि गोल्ड इन्वेस्टमेंट स्कीम आया क्यों और इसका महत्व क्या है इकोनॉमिकल मार्केट में और भारत की अर्थव्यवस्था में इसका जरूरत क्या है और इस स्कीम के बारे में टोटल डिटेल्स में जानेंगे कॉम्पिटेटिव एंड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी। कोई भी एंट्रांस हो, SSC, रेलवे, बैंकिंग, UPSC या स्टेट PCS, ये स्कीम के बारे में जानना हमें बहुत जरूरी हो जाता है। तो जब हम बात करते हैं 2015 नवंबर को ये गोल्ड इन्वेस्टमेंट स्कीम लाया गया, तो इस स्कीम का भी दो पार्ट था। पहला पार्ट सोवरियन गोल्ड बॉन्ड्स, दूसरा गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम। ये आया क्यों था? दो मकसद से था। पहला, रिड्यूसिंग द डिमांड ऑफ फिजिकल गोल्ड। जैसे कि आप नाम से अनुमान कर सकते, फिजिकल गोल्ड का मार्केट में रिड्यूस हो रहा था, तो इसी के वजह से ये स्कीम लाया गया। दूसरा, शिफ्टिंग ए पार्ट ऑफ द गोल्ड इम्पोर्टेड बाई एवरी ईयर, जो कि इम्पोर्ट हो रहा था फॉर द इन्वेस्टमेंट पर्पज द फाइनेंशियल सेविंग, जो कि हमारा जब भी हम डॉलर के बारे में बात करते हैं गोल्ड और करेंसी के बारे में ही बात किया जाता है, जो कि हमारे फॉरेक्स रिजर्व के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण रहता है। तो ये दोनों स्कीम, जो गोल्ड इन्वेस्टमेंट स्कीम है, इसी के वजह से आया था। तो ये दोनों स्कीम का मकसद क्या था? सोवरियन गोल्ड बॉन्ड्स स्कीम, इसके ऊपर डिटेल्स में देखेंगे। सोवरियन गोल्ड बॉन्ड स्कीम ये इशू करता है RBI के द्वारा। क्या होता है? ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो सिक्योरिटी होता है इसके तहत RBI के द्वारा ये लॉन्च करता है। जैसे कि ग्राम, क्योंकि गोल्ड को हम अगर काउंट करते हैं तो ग्राम के हिसाब से ही करते हैं, जो कि ऑफ गोल्ड रेस्ट्रिक्टेड फॉर द सेल रेसिडेंट इंडियन एंटिटी ओनली, मतलब कि जो रेसिडेंट है इंडिया के जो है उन्हें ही हम बेच पाएंगे और बाहर के जैसे ना बेचें, क्योंकि अगर हम यहाँ पे ही बेचें तो हमारे पास ही आएगा, घूम घाम के तो हमारे पास ही आएगा। इसी के वजह से इंडिया को एंटिटीज के लिए ये लाया गया, जो कि सोवरियन गोल्ड बॉन्ड स्कीम लाया गया, जो कि बहुत डिमांड एंड पेपर फॉर्मेट में, मतलब कि पेपर में रिटेन में कि ये मैं इतना ले रहा हूँ, इसके तहत पेपर फॉर्मेट हुआ, डिमांड फॉर्मेट में जैसे कि हम फिजिकल गोल्ड ले सकते हैं। इसी के तहत आज के डेट में आप एक न्यूज भी सुने होंगे केरला का गोल्ड तस्करी के बारे में, यही मेनली जो बोलते हैं, इसीलिए अगर बाहर में जो बोलते हैं गोल्ड ये कर रहे हैं तो हमारे जो रिजर्व है, हमारा जो हमारा जब हम डॉलर और रुपीज के बारे में काउंट करते हैं, जब हमारा फॉरेक्स रिजर्व है, इसके ऊपर हमारे अर्थनीति के ऊपर प्रभाव पड़ सकता है। इसी के वजह से ये सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम हमारे इंडियन एंटिटी के लिए ही लाया गया था, जो कि हमारा इश्यू होता है RBI के द्वारा। मिनिमम टर्म इसका कितना है और मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट लिमिट, मिनिमम एंड मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट लिमिट्स अदर जो है कि हमारे 2 ग्राम एंड 500 ग्राम, 2 ग्राम से लेकर 500 ग्राम तक ये है गोल्ड, ये फिस्कल ईयर में ये डिक्लेयर किया गया है। लेकिन इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट एक रहता है, हर साल रेट ऑफ इंटरेस्ट बदलता रहता है। टिन्योर जो है इसका 8 साल तक इसका टिन्योर है, मतलब कि ये जो सोवरियन गोल्ड बॉन्ड स्कीम है ये 8 साल तक टिन्योर है। एग्जिट ऑप्शन, अगर हम KYC के बाद एग्जिट हम करते हैं तो 5 साल के बाद एग्जिट कर सकते हैं, 5 साल से पहले हम एग्जिट नहीं कर सकते ये सोवरियन गोल्ड बॉन्ड स्कीम के तहत। इसका KYC नॉर्म्स आर द सेम फॉर द गोल्ड, जो कि गोल्ड के लिए है, जो KYC नो ईयर कस्टमर्स का जो फॉर्म होता है उसके तहत ये सेम रहता है। ये रहा हमारा सोवेरियन गोल्ड बॉन्ड्स। अभी हम बात करेंगे दूसरा जो है, ये हमें जानने के लिए बहुत जरूरी है, गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम। गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम क्या है? BIS ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स इसको सर्टिफाइड करता है, जो कि CPTC क्या है, कलेक्शन ऑफ द प्योरिटी ऑफ द टेस्टिंग सेंटर, जो कि हमारा गोल्ड का जो टेस्टिंग है कि ये गोल्ड ओरिजिनल है या डुप्लीकेट है, इसको टेस्टिंग के लिए हमारा एक रहता है कि CPTC कलेक्शन प्योरिटी टेस्टिंग सेंटर भारत सरकार के द्वारा। तो कलेक्टेड द गोल्ड फ्रॉम द कस्टमर्स ऑन बिहाफ ऑफ द बैंक्स, मतलब कि ये कस्टमर से लेता है, यहाँ पे प्यूरिफाई मतलब कि प्योरिटी चेक करने के लिए टेस्टिंग में होता है, फिर उसके बाद इस स्कीम के तहत गोल्ड मोनेटाइजेशन रखा जाता है। इसका जो बोलते हैं कि हम मिनिमम जो बोलते हैं स्कीम के तहत बैंकों में रख सकते हैं 30 ग्राम, 30 ग्राम से कम हम रख नहीं सकते इस स्कीम के तहत, गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम। इसके तहत अगर पैसा रख के हम गोल्ड रख के पैसा ले सकते हैं, तो मिनिमम कितना सोना हम रख सकते हैं? 30 ग्राम, नो लिमिट फॉर द मैक्सिमम, मतलब कि मैक्सिमम हम कितने तक भी रख सकते हैं। गोल्ड सेविंग अकाउंट्स कैन बी ओपेंड विद एनी ऑफ द डेजिग्नेटेड बैंक, मतलब कि जो भारत सरकार के द्वारा डेजिग्नेटेड बैंक है, हम गोल्ड रख सकते हैं कोई भी डेजिग्नेटेड बैंक के पास। डिनोमिनेशन ऑफ द ग्राम ऑफ गोल्ड फॉर शॉर्ट टर्म पीरियड 1 to 3 years, मतलब कि 1 से 3 साल तक जो इसको बोला जाता है। इस गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम को भी 3 श्रेणियों में बांटा गया है। एक रहा है शॉर्ट टर्म पीरियड, जो कि 1 से 3 साल तक हम रखते हैं तो 30 ग्राम से ऊपर हमें उसके बदले जो बोलते हैं जो पैसा मिलेगा इसके तहत। दूसरा है कि हमारा मीडियम टर्म, जो कि 5 से 7 साल
और रहता है हमारा लॉन्ग टर्म 12 से 15 साल, इसको जो बोलते हैं टोटल, ये जो रहता है सीपीटीसी, जो कि सीपीटीसी जो है हमारा कलेक्शन प्योरिटी टेस्टिंग सेंटर, और इसको जो बोलते हैं कि हमारा कहाँ पे होता है बीआईएस ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, ये कि जो बोलते हैं कि जो जांच करता है कि ये ओरिजिनल गोल्ड है या डुप्लीकेट है, इसके तहत बैंक लीगल एग्रीमेंट विद द रिफाइनर्स, मतलब कि ऐसा नहीं है कि कोई रिफाइनर्स के पास ऐसे जाए, बैंकों के साथ वो जो हमारा रिफाइनरी होता है जो कि गोल्ड को प्योरिटी चेक करने के लिए ये होता है, बैंक उनके साथ एक लीगल एग्रीमेंट किया हुआ होता है, इसी के वजह से ठगी का नहीं हो सकता। इसका भी एक इंटरेस्ट रेट होता है हमारा, हम ये इंटरेस्ट रेट अब देख लीजिएगा हर वक्त बदलता रहता है। इसके तहत डिफरेंस बिटवीन द करंट बोरोइंग फॉर द गवर्नमेंट एंड इंटरेस्ट रेट पेड बाय द गवर्नमेंट अंडर द मीडियम लॉन्ग टर्म डिपॉजिट विद द क्रेडिट, मतलब कि मीडियम और लॉन्ग टर्म के लिए अगर हम करते हैं तो क्रेडिट भी हम यहां से इशू कर सकते हैं, क्रेडिट टू द गोल्ड रिजर्व, जो कि हमारा गोल्ड रिजर्व के लिए, भारत के गोल्ड रिजर्व के लिए अच्छा होगा, जो कि हम पैसे को कंट्रोल करने के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण रहता है। ये था टोटल हमारा गोल्ड इन्वेस्टमेंट स्कीम के ऊपर। थैंक यू।